नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई, आपको पता है कि आप दो पहली बात तो ये कि विदेशों में लोग फंसे हुए हैं किस तरह से, मतलब कैसे भी करके बंदा इंडिया पहुंच रहे हैं। थोड़े बहुत, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले संख्या मात्र 5 या 10% ही है। वो लोग कैसे भी करके पहुँच जाते हैं, फिर भी मतलब अपने खर्चे पे गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं दे रही है। सच्ची बात तो मैं बता दूँ, अपने खर्चे पे लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं। आज की न्यूज़ है मेरे पास, देखिए मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा हकीकत क्या है। राजस्थान के लगभग 3000 के करीब बंदे पहुंचे हैं इंडिया अभी तक पिछले एक महीने के दौरान, 3000। जबकि राजस्थान के, मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से 5-7 लाख आदमी राजस्थान के बाहर रहते होंगे कम से कम। नीचे वाला आंकड़ा मैंने बताया आपको, उनमें से 3000 लोग पहुँचे हैं। जबकि राजस्थान की बहुत ज़्यादा जनसंख्या विदेश बैठी है जो आना चाहती है, उनमें से 800 आदमी हमारे, मैं बताऊँ, हमारे शेखावाटी के हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के सीकर जिले में। कल की न्यूज़ है ये, मैं बता दूं, दैनिक भास्कर की। इसमें देखिए क्या लिखा है, विदेश से लौटे प्रवासी अपने खर्चे पर 7 दिन होटल में क्वारंटाइन, विभाग सैंपल तक नहीं ले रहा है, यानी जांच तक नहीं करी कि इस बंदे को कोरोना है कि नहीं है। घर पहुंचने के बाद अस्पताल में जांच के लिए लगा रहे हैं नंबर। अब आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा लापरवाही है कि उनके सैंपल तक नहीं लिए गए। ये मेरे पास जयपुर से भी काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि सर हमारी अब तक जांच ही नहीं हुई, हमें आए हुए 3-4 दिन हो गए, कब उनकी जांच होगी, कब उनकी रिपोर्ट आएगी, कब उनको 7 दिन। 7 दिन का तो नाम है भाई, अगर 4 दिन तक आपकी जाँच नहीं हो रही है तो फिर उनकी जाँच आने में 5-6 दिन लग जाते हैं, तो फिर 7 दिन क्वारंटाइन कैसे रहोगे? आपको तो 10-12 दिन 14 दिन हो गए, फिर खर्चा तो आपका लग रहा है, गवर्नमेंट का क्या जा रहा है? बिल्कुल गलत है ये बात, और साफ साफ इसमें पूरी बातें बताई गई है कि सरकार इतनी अधिकारी लापरवाह हैं। हमारे राज्य इंडिया में बात करें, कोरोना कहाँ से आया? इंडिया में वुहान से यात्री आए थे जो चीन से, उनकी वजह से इंडिया में कोरोना आया। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, फिर भी आगे से आगे बढ़ता गया। हमारे राजस्थान में कोरोना कहाँ से आया, इसमें साफ साफ लिखा है 1 मार्च को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। 1 मार्च की बात चल रहा है भाई, ये जून चल रहा है, कितना टाइम हो लिए समझ लीजिए। एक पर्यटक आया था राजस्थान में घूमने के लिए, उसकी वजह से कोरोना एक आदमी की शुरुआत हुई, ये बढ़ के आज इतना पहुँच गया। और उनके बावजूद भी गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है कि विदेशों से जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी जाँच फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है गवर्नमेंट की, अधिकारियों की करने की, लेकिन ये सच्चाई है। देखिए अभी मैं बता दूं, इसमें वंदे भारत में कजाकिस्तान, कुवैत, मस्कत, ओमान, दुबई, अबू धाबी सहित अन्य देशों से सीकर पहुंचे 800 प्रवासी अभी तक पहुंच चुके हैं। मस्कत से आए हुए को स्क्रीनिंग कर लक्ष्मगढ़, यानी हमारे तहसील पड़ता लक्ष्मगढ़ भेजा, जाँच में पॉजिटिव आया। ये देख लीजिए भाई, क्वारंटाइन उनका हो गया, 7 दिन रह गया, कोई जांच नहीं हुई, बंदा लक्ष्मगढ़ आ गया, यहाँ जांच करवाई तो पॉजिटिव हुआ। अब गवर्नमेंट की लापरवाही कहाँ है बताइए आप, लापरवाही है कि नहीं है? वो आदमी अगर 10-20 से मिल लेता है तो उनको ख़राब नहीं करेगा क्या? आप तो है ही है मुँह के मुँह पे, मौत के मुँह पे, दूसरों को भी करेगा ख़राब, अपने घर वालों को भी। इसकी जिम्मेदारी उस जो विदेश से है उसकी नहीं है, ये जिम्मेदारी सरकार की है जिसने उसको भेज दिया अपनी लापरवाही की वजह से। होटल में नहीं हुई स्क्रीनिंग, जबकि होटल में स्क्रीनिंग नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट 7 दिन क्यों रख रही है, क्यों गरीब लोगों के पैसे लगवा रही है, मुझे तो ये बता दीजिए। गवर्नमेंट के कोई अधिकारी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर आप आप 7 दिन बोलते हैं हम रखेंगे, आपकी जाँच करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आने के बाद घर भेजेंगे, स्क्रीनिंग तक नहीं हो रही है तो फिर मतलब क्या? 7 दिन लोगों को रख के आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, उनका पैसा खर्च हो रहे, होटल वाले मौजे कर रहे हैं, आप कमीशन बेस पर काम रहे हो, दुनिया जानती है आपके सिस्टम को। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिस्टम बोल रहा है एविडेंस के साथ, हमेशा वीडियो में एविडेंस के साथ बनाता हूं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है ये, 6 जून की। इसमें देखिए क्या लिखा है, ओमान से लौटे सीकर के निवासी तौफीक और मोहम्मद साद तवर ने बताया 30 मई को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एम्बेसी से रजिस्ट्रेशन के दौरान यह शपथ पत्र देना होता है कि हम 7 दिन हमारे खर्चे पर होटल में क्वारंटाइन रहेंगे। 7 दिन होटल का, एक आदमी का करीब 15,000 रुपये का 7 दिन का खर्चा हुआ। 7 दिन बाद मेडिकल टीम ने सर्टिफिकेट और पासपोर्ट देकर हमें घर के लिए रवाना कर दिया। होटल में सैंपलिंग नहीं हुई, अब सीकर में जाँच के लिए नंबर लगाया गया है। तो दिमाग तो इतना ख़राब होता है कि आपको गालियाँ निकालूँ, झक मारने के लिए 7 दिन रखते हो क्या? मुझे तो इस बात का जवाब दे दो। 7 दिन बंदे का 15,000 आपने खर्च करवा दिया, सैंपलिंग तक उसकी हुई नहीं, जांच बंदा अपने गांव आके हॉस्पिटल में करवा रहा है, तो उसका रखने का मतलब क्या हुआ? राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ भाई, राजस्थान गवर्नमेंट की, ये हकीकत है। आंकड़ों में दिखाया कुछ और जाता है, हकीकत की हकीकत कुछ और होता है। ये मामले कहाँ निकलते हैं? ये तो चलो, ये बंदे आ गए, इन्होंने बता दिया तब ये आंकड़े निकल के
करके आ रहे हैं, वरना तो पता ही नहीं लगता लोगों को। सेकंड इसमें देखिए बताया गया है, मस्कत से आए व्यक्ति को स्क्रीनिंग कर लक्ष्मणगढ़ यानी तहसील है उसका वहाँ भेज दिया गया, जांच में पॉजिटिव पाया गया। ये सरकार के मुंह पे तमाचा है, सुन लीजिए मेरी बात को। मस्कत से जयपुर पहुंचे लक्ष्मणगढ़ निवासी 25 वर्षीय व्यक्ति को जयपुर के सीतापुर स्थित कॉलेज में 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। ये वही कॉलेज है जिसका मैंने पहले वीडियो बनाया था। सिर्फ थर्मल स्कैनिंग कर 6 जून को लक्ष्मणगढ़ भेज दिया गया। यहाँ सैंपल जांच में अगले ही दिन सोमवार को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। विवेक ने बताया कि पहले उन्हें खुद के खर्चे पर जयपुर में होटल में भेजा जा रहा था, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया। ये हकीकत है राजस्थान गवर्नमेंट की, और ये राजस्थान गवर्नमेंट के तो एक एग्जाम्पल है। हर सरकार की ये प्रॉब्लम है भाई, विदेश से आने वाले समझ जाओ, उनकी है ना खाट खड़ी कर दो कि क्वारंटाइन कर रहे हो तो सैंपलिंग क्यों नहीं हो रही है। ये आप लोग भी तो बेवकूफ़ हो ना, बोलते क्यों नहीं हो आप? आपको मेहमान बन के जवाई बन के गए हो क्या? जो आपकी खातिरदारी करेगी गवर्नमेंट, आप डंडा क्यों नहीं देते थे उनके कि आप हम होटल में रख रहे हो 15,000 हमारा खर्चा आ रहा है, हम ऐसी तैसी करवा रहे हैं यहाँ पे 7 दिन, अगर सैंपलिंग तो उनकी नहीं हो रही है। हक ये बनता है कि इनकी जाँच होकर रिपोर्ट आ जाए कि हाँ इनको कोई बीमारी नहीं है, फिर 7 दिन में घर भेजना होता है। और गवर्नमेंट इनकी सैंपलिंग नहीं कर रही है तो मुझे मतलब बता दो कि भाई मतलब क्या हुआ? ये आप आवाज़ उठाओ, ये वीडियो आगे से आगे शेयर करने चाहिए करो, ताकि लोगों तक ये बात की सरकार की हकीकत का पता लगे कि ये हो रहा है हमारे राजस्थान में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।